हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अन्य सभी पौधों से अलग दिखाई देते हैं। पर्पल हार्ट का प्लांट भी कुछ ऐसा ही प्लांट होता है, क्योंकि इसके पत्तों का कलर पर्पल होता है और इसके हार्ट की शेप के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। इसीलिए इस प्लांट को पर्पल हार्ट प्लांट के नाम से जाना जाता है। जब इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो ये प्लांट अलग ही दिखाई देता है। अब इस समय आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस समय जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। आज की इस वीडियो में मैं इस प्लांट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। यदि आप इन बातों को अपने ध्यान में रख लोगे तो ये पौधा कभी नहीं सूखेगा और आप इसके एक प्लांट से काफ़ी प्लांट्स बना सकते हैं। ये प्लांट एक सेकुलेंट होता है जिसके पत्तों में पानी होता है और इसकी स्टेम बहुत ही नाजुक होती है। आसानी से ये स्टेम टूट जाती है। यदि आप इस प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रखिए, क्योंकि इसकी स्टेम हल्के से झटके के साथ ही टूट जाती हैं। मैं इस पौधे को 1 साल पहले लाया था। इसकी मैं छोटी सी कटिंग लेके आया था। छोटी सी एक कटिंग से ही बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। जब इनके पौधे घने हो जाते हैं तो मेरे पास इतने गमले नहीं होते, तो मैं उन पौधों को निकाल देता हूँ। एक ही केवल पौधा मैंने रखा था और एक छोटे से पौधे से अब देखिए ये कितना फैल गया है। अब मैं इस पौधे की और कटिंग करने वाला हूँ। जब मैं इस पौधे की ब्रांचेज को कट कर दूंगा तो ये और भी घना बन जाता है। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है। यदि आप इस पौधे को वेल ड्रेन्ड सोयल में लगाते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि इसकी रूट से बहुत ही जल्दी फैलती हैं। जो भी आप कटिंग लगाते हैं वो कुछ ही दिनों बाद इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है और इसकी नई ब्रांचेज निकलने लगती हैं। जिस प्रकार मनी प्लांट के हर पत्ते के नीचे लीफ नोड होती है, उसी प्रकार इसके एक पत्ते के नीचे लीफ नोड होती है। आप इसकी एक सिंगल लीफ नोड से भी इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आप इसकी सिंगल लीफ नोड वाली कटिंग को बिना किसी रूटिंग हार्मोन लगाए ही मिट्टी में डायरेक्ट लगा दीजिए। कुछ ही दिनों बाद इनमें रूटिंग शुरू हो जाती है और इसकी जो सिंगल ब्रांच होती है उससे कई छोटी छोटी ब्रांचेज निकल कर ये एक घनी ब्रांच बन जाती है। पर्पल हार्ट एक सेकुलेंट प्लांट होता है जिसमें बहुत ही कम पानी दिया जाता है। आप इस पौधे में हफ्ते में एक बार ही पानी दीजिए तो भी काफ़ी रहेगा। यदि आप इस पौधे में हर रोज़ पानी दे दोगे तो इसकी स्टेम गल जाएगी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों पर गर्मी के मौसम में पानी छिड़का जाता है तो उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, मगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए। यदि पत्तों पर पानी छिड़क देते हैं तो वे पौधे सूख जाते हैं। ये पर्पल हार्ट भी एक ऐसा ही प्लांट है। यदि हम इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव कर देंगे तो इसके पत्ते गल जाएंगे। अब हम इस प्लांट के लिए लोकेशन की बात करते हैं कि इस प्लांट को कैसी जगह रखा जाए। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ग्रो किया जाए तो भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। यदि आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो भी इसकी ग्रोथ होती रहेगी, मगर इस समय की तेज़ धूप और गर्मी से इस पौधे को बचा लीजिए। इसको आप छायादार लोकेशन में ही रखिए। मैंने भी इसको एक ऐसी लोकेशन में रखा हुआ है जहाँ सुबह सुबह की 1 या आधे घंटे की सनलाइट इस पौधे पर गिरती है, उसके बाद पूरे दिन भर ये ब्राइट लोकेशन में रहता है जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है। यदि इस प्लांट को हर रोज़ छायादार लोकेशन में रख दिया जाएगा तो इसके पत्ते हरे कलर के हो जाते हैं, और जब हम इसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो इसके पत्ते पर्पल कलर के होते हैं। इसके पत्तों की सुंदरता पर्पल कलर के कारण ही होती है, इसलिए इस प्लांट को ब्राइट लोकेशन में ही रखिए। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।